शीला के रसोई में आप लोगों को स्वागत है। आप देख रहे हैं शीला का रसोई। आज साग बनाने जा रहे हैं। आज साग बनाने के लिए जा रहे हैं। साग गांव से आया है और इस साग का नाम है लौक का साग। ये बिहार में मिलता है ये साग, फिर आप लोग के यहाँ मिलता है कि नहीं सो देख लीजिए। इस तरह का साग का पेड़ होता है, ये हर जगह तो नहीं मिलता है लेकिन देख लीजिएगा, अगर आप लोग के यहाँ भी मिलता होगा तो। लेकिन बिहार में मिलता है ये साग, अगर मिलता होगा तो आप लोग भी बनाइएगा घर में। किस तरह से बनाइएगा वो बता रहे हैं। ये पूरा साग का पेड़ हो गया, इसको काटना नहीं है, ऐसे करके हाथ से ऐसे करके टोंग देना है, ऐसे करके, ठीक है। और इसको दो या तीन पानी से, क्योंकि बारी में होता है अपना खेत में तो ज़्यादा धोने की ज़रूरत नहीं है, इसको डंटी को ऐसे निकाल देना, ऐसे रख करके ऐसे ऐसे आप धोई इसको तोड़िएगा साग को, इस तरह से दो या तीन बार इसको साफ करिएगा पानी से। इस साग का नाम है लौक का साग। फिर आप लोग के यहाँ क्या कहता है वो तो पता नहीं, वो देख लीजिएगा आप लोग जो नाम देते होंगे साग का। और ये साग नॉर्मल साग की तरह नहीं होता है। ये साग बनाने के बाद थोड़ा भिंडी का जिस तरह सब्जी बनाते हैं ना उस तरह का उसमें इस तरह का रहता है। देखिए ऐसे ही इसको टोंगते हैं हम लोग, देखिए ऐसे डंडी को निकाल देते हैं। फिर आगे आपको धो करके फिर कैसे छोंक लगाएंगे वो आपको दिखा देंगे, अगर मिलता होगा तो आप लोग भी अपना घर में बनाइएगा। ये नया साग है, ये भी सीजन में ही मिलता है, ये ठंडा महीना ही साग दो चार महीना आपको मिलता होगा, सब दिन ये साग नहीं मिलता है। देखिए इस तरह इस साग को दो बार, ज़्यादा बार धोना नहीं है, दो बार इस तरह से धो करके इसको निकाल लीजिए। भिंडी का साग जैसे, भिंडी का सब्जी जैसे बनाते हैं ना उसमें लसा टाइप का आता है, उस तरह का इस साग में हल्का सा आता है, इसीलिए इसको बार बार ज़्यादा धोना नहीं रहता है। ऐसे करके दलिया में इस तरह से एक बार और धो लीजिए, उसके बाद फिर अब छोंकने का दिखाएंगे कैसे छोंकाता है साग। कुकर गरम हो गया है, साग बना रहे हैं, सरसों का तेल डाल रहे हैं, तो इसमें क्या क्या देंगे सो देखिए। इसमें काला सरसों पड़ेगा, लहसुन था आठ कली, एगो तेरपत्ता था और लाल मिर्चा पांच था। बस साग में इसी से छोंका पड़ता है साग का, हो गया लौक का साग हुआ। थोड़ा सा साग है, ज़्यादा साग में तैयार होगा, आप लोगों को दिखाने के लिए हम ये साग बनाए हैं। तो लौक का भी साग होता है और सीजनली साग है, बहुत अच्छा टेस्ट है ये साग। चावल के साथ ही खा सकते हैं, चावल बना लीजिए, साग आलू का भुजिया या आलू का चटनी, इसमें इसी तरह से छूट लगता है इस साग में। क्योंकि हम तो साग नहीं बनाए थे लेकिन मेरी सासू माँ बनाती थी गांव में, तो हम देखते थे गांव से साग आया तो उसी तरह से हम तेजपत्ता लाल मिर्चा लहसुन काला सरसों से छूटते। अब इसको ढक ढक करके पकाना है।
देखिए कैसे साग गलता है। मिर्चा का छोंका लगा है ना, खांसी भी हो रहा है जब। और ये बहुत गलेगा नहीं, इसको पानी पड़ेगा इसमें, तब इसको। अब देखिए आगे कैसे बता रहे हैं, पहले अभी आगे, फिर 2 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं। गल रहे हैं, इसमें नमक दे देते हैं, इसमें हल्दी नहीं पड़ेगा। गल गए, इसमें पानी पड़ेगा। इसके बाद साग तैयार हो, मैंने दाल के साथ नहीं खाना है, सिर्फ साग, चावल, आलू का चोखा या आलू का भुजिया, ये इसी तरह से साग रहता है। थोड़ा और नमक, क्योंकि 2 आदमी 3 आदमी हम लोग खाएंगे। अब इसमें कटोरा है, आधा कटोरा पानी डाल देंगे, बस इसी तरह से ये साग तैयार होगा। अब इसको एक सीटी मार दीजिए कुकर में। और सीटी मार दिया, कर देते। देखिए साग तैयार हो गया, देखिए इस तरह से साग तैयार होता है, ठीक ना। थोड़ा कटोरा में रख कर दिखा देते हैं आपको। देखिए इसी तरह से देहाती खाना हुआ, ये देहाती थाली हुआ, भात बनाए हैं, आलू का चोखा बनाए हैं। तो आलू का चोखा जो बनाए हैं तो उसमें देखिए प्याज, हरा मिर्चा, थोड़ा नींबू का रस गार दिए हैं। और जो ये पालक क्या कहते हैं लौक का साग जो बोले हैं, वो लौक का साग तैयार हो गया। इसी तरह से पानी साग अलग अलग रहता है, लेकिन जब खाइएगा मिला करके तो बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए इस तरह से अब साग बनाने का प्रोसेस दिखाएं, पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।